लोग अभी कैपडोसिया में हैं, टर्की का ये एक शहर है, और यहाँ पे हम लोग बैलूनिंग के लिए आए हैं। दुनिया में कुछ ही जगह पे बैलूनिंग होता है, जिसमें भी ये भी एक जगह है। चारों तरफ कमाल का नज़ारा है। अभी तक तो बैलून में हवा दे रहे थे, अब बैलून में फ्लेम देना शुरू किया है। बैलून में फ्लेम से हॉट एयर डाल रहे हैं, जैसे ही हॉट एयर इसमें डाला ये बैलून खड़ा हो गया। अरे आप प्लीज, अभी देखिए कुछ बैलून उड़ चुका और अभी ये बैलून उड़ा है। हम लोगों के बैलून के बगल में इसको फुला रहे थे और अभी बीसियों बैलून उड़ने को तैयार है। हम बैलून पे सवार हैं अभी एक बैलून उड़ा है। इस बैलून को देखिए, अभी अभी उड़ा है बस, और उसमें भी 20-22 लोग सवार हैं। और ये देखना ही अपने आप में कमाल है। आपके अगल बगल में बीसियों बैलून उड़ रहे हैं और 100 से ज़्यादा बैलून उड़ने को तैयार हैं, और इस घाटी में, और हम लोग इस हॉट एयर बैलून में 10 मिनट में सवार हैं, और इसके पायलट है, इसमें बार बार गैस डाल रहे हैं। ये हम लोग हॉट एयर बैलून में हैं और हम लोग कोई 1 किलोमीटर ऊपर हैं ज़मीन से, और हम लोगों के चारों तरफ केवल बैलून ही बैलून है आसमान में, और सैकड़ों बैलून उड़ रहे हैं। हर बैलून में 20 लोग होते हैं। पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक आ गए। ये एक बहुत बड़ा चट्टान है और ये हम लोग चट्टान के बिल्कुल पास आ गए। बिल्कुल पास मतलब बिल्कुल पास। और ये अगर पायलट थोड़ा भी गड़बड़ करेगा तो हम लोग का ये हॉट पहाड़ से टकरा जाएगा। ये भी एक केव है जिसमें कि लोग रहते थे अभी 2,500 साल से, और हम लोग इस पहाड़ के बगल से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और देखिए कितना शानदार, सैकड़ों 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 बैलून चारों तरफ। आप बैलून के बीच में एक बैलून पे, और जो कि बहुत शानदार अनुभव है, बेजोड़, बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस है। आपको कैसा लगा? चलो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, एक्सपीरियंस बताओ अपना। वाह बेटा, बेजोड़, पर्सनल उसमें रखना, बिग ब्लॉक। हम लोग आ गए जमीन पे और अब सीढ़ी लगा रहे हैं, और बलून अभी भी आकाश में ही है। बकेट, ये बकेट जिस पे हम लोग सवार हैं, ये इस ट्रॉली पे आ गया है, और सारे के सारे बैलून अब लैंड कर रहे हैं, और हम लोग का बैलून लैंड कर चुका है, और बाकी बैलून अभी भी आसमान में उड़ रहा है। और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा। मैंने पहले भी बताया है कि शब्दों में हम बता नहीं सकते इस एक्सपीरियंस को, आपको खुद अनुभव करना होगा।